दोस्तों अभी बात करें यहाँ पर मौलाना मजहरुल हक अरबी खान फारसी यूनिवर्सिटी MMHAP यूनिवर्सिटी पटना की तरफ से बहुत अपडेट आ गई है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी को जिस पर इंतजार था वो पल आ चुकी है। बीट बात करेंगे पार्ट टू, यहाँ पर 2022 से 2024 के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिलअप की डेट आ गई है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आपका एग्जाम कब होगा, टेंटेटिव डेट भी बताऊंगा एग्जाम का, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए फॉर्म फिलअप की डेट आई, कैसे फॉर्म फिलअप करनी है। तो बीएड पार्ट टू की बात करेंगे 2022 से 2024 वाले, यहाँ पर आप सभी को एग्जाम फॉर्म भरने के लिए 2500 रुपये आपको लग रहे हैं, 50 रुपये फॉर्म का, 2500 पैसे, 1 रुपये ज़्यादा आपको नहीं देनी है। आपको अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी कॉलेज वगैरह पढ़ रहे हो, अगर आपसे दावा करता है मान लो 5000 लेता है फॉर्म भरने, तो आपको बिल्कुल नहीं देनी है। आपको उनको दोस्तों दिखानी है, ठीक है, ये एग्जाम फॉर्म निकला है। इस फॉर्म को मैं अपने आपको ये फॉर्म हमारे टेलीग्राम से पर मिल जाएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर दोस्तों लिंक दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पर 2500 इससे बिल्कुल रुपये ज़्यादा नहीं देना है आपको, समझे। तो 2500 पर लग रहा है एग्जाम फॉर्म भरने के लिए बिना लेट फाइन का। दोस्तों डेट यहाँ पर कल से भरा जाएगा फॉर्म, 11 जून से फॉर्म भराना शुरू होगा, जो कि 15 जून तक फॉर्म यहाँ पर आप भर सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पर आगे, ध्यान दीजिए लेट फी के साथ। तो अगर आप दोस्तों बात करेंगे 15 जून के बाद फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, यानी रखो, तो आपको यहाँ पर 200 रुपया लेट फाइन लगेगा, यानी 2750 पर आपके ऊपर लेट फाइन लगेंगे, जो कि यहाँ पर आप 19 जून से 20 जून तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं लेट फाइन के साथ। सभी कॉलेज जो इस MMHAP यूनिवर्सिटी के जो सारे कॉलेजेस हैं, मैं क्या कहूँ दोस्तों, इतने वर्स्ट कॉलेजेस हैं जो कि आपको सिर्फ यहाँ पर फी के नाम पर सारे लूट रहे होंगे। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या आपके भी ऐसे कॉलेजेस हैं। बिल्कुल, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों जो फॉर्म फिलअप करनी है, यहाँ पे एग्जाम फॉर्म को ऑनलाइन ही भराएगा, ठीक है, जो कि आपके कॉलेज के द्वारा भराएगा। आप जिस कॉलेज से हैं बीएड के, उसी कॉलेज के द्वारा उस कॉलेज के ऑफिस में जाइएगा, उस ऑफिस में आपका फॉर्म भराया जाएगा। बात करें यहाँ पर एक्सेप्ट होगा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही, रजिस्ट्रार के नाम पर MHAP नाम से बैंक ड्राफ्ट एक बनेगा, जो कि 21 जून के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको यहाँ पर सबमिट करना है सारे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर देख पा रहे हो जो कि डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर बस एग्जाम फॉर्म भरने के लिए चाहिए। क्या आपको बस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, यहाँ पर वो रख लोगे 2 फोटो, और बात करें एक अपना यहाँ पर, और बेसिकली बस जो अपने आपने जो यहाँ पे फी रिसिप्ट होगा आपका, ठीक है, एग्जाम फॉर्म का भरने का वो पैसा रख लोगे, बस इतना ही, और कुछ आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों मार्कशीट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की है वो दोस्तों यहाँ पे आप रख लोगे, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं रखनी है। और बात करें यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनेशन कब से होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साथ एग्जाम की भी डेट, एग्जाम जो होने वाली है बीएड पार्ट टू की उसकी भी डेट आ गई, एग्जाम शुरू होगी 1st वीक ऑफ जुलाई। जी दोस्तों बिल्कुल सही सुनो, यहाँ पर एग्जामिनेशन में कमेंस फ्रॉम, एग्जाम शुरू होने वाली है 1st वीक ऑफ जुलाई के 1st वीक में, इसीलिए एग्जाम फॉर्म सभी को भरना है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट करके यहाँ पर 22 जून तक सभी को भर लेनी है। तो 22 जून तक दोस्तों आप सभी को अपना बीएड का एग्जाम फॉर्म भर लेनी है, क्योंकि जो एग्जाम होगी बीएड की देख पा रहे हो उससे पार्ट टू के, वो 1st वीक ऑफ जुलाई में एग्जाम यहाँ पे होने वाली, इसकी डेट यहाँ पे घोषित कर दी ऑफिशियली। यहाँ पर जो बात करेंगे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है डॉक्टर साद बिन हामिद ने, इन्होंने किया है,